नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। नई सुबह कुकिंग ट्यूटोरियल्स में खुशामदीद, मैं हूं फिजा हुसैन और हमारी आज की रेसिपीज हैं बॉयल्ड एग, ऑमलेट एंड स्क्रम्बल्ड एग। बॉयल्ड एग करने का तरीका, सबसे पहले हम एक कुकिंग पॉट लेंगे और उसमें इतना पानी शामिल करेंगे कि अंडे उस पानी में डूब जाएं, और फिर उसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। नमक शामिल करने के बाद हम कुकिंग पॉट को स्टोव पे बैलेंस करके अच्छे से सेट करेंगे। जब हमारा कुकिंग पॉट चारों तरफ से स्टोव पे बैलेंस हो जाए तो हम चूल्हे की आग जलाएंगे और 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पे अंडों को बॉयल होने देंगे। 10 मिनट के बाद हम अंडों को गर्म पानी से निकाल लेंगे और ठंडे पानी में डाल देंगे। जब अंडे इतने ठंडे हो जाएं कि हाथ लगाया जा सके तो उनको हल्का सा क्रैक करके छील लेंगे। अंडों में नमक शामिल करने से अंडे के छिलके उतारने का अमल बहुत आसान हो जाता है और अंडे के छिलके बहुत सफाई से उतर जाते हैं। ये था हमारा अंडे बॉयल करने का तरीका। अब हम आपको ऑमलेट बनाने की रेसिपी बताएंगे। ऑमलेट बनाने के अज्जा, अंडे 2, दूध 2 टेबलस्पून, नमक 1/4 टीस्पून, फ्रेशली क्रश्ड काली मिर्चें 1/4 टीस्पून, प्याज 1 स्मॉल साइज चॉप्ड, हरा धनिया चॉप्ड 1 टीस्पून, पुदीने के पत्ते चॉप्ड 1 टीस्पून, कुकिंग ऑयल 4 से 5 टेबलस्पून। ऑमलेट बनाने का तरीका, सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बोल में 2 अंडे तोड़कर शामिल करेंगे। अंडे शामिल करने के बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून दूध, 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्चें, 1 छोटी प्याज चॉप्ड और धनिया पुदीना चॉप्ड शामिल करके अच्छे से बीट करेंगे। जब हमारा अंडा अच्छे से बीट हो जाए तो हम एक फ्राइंग पैन लेंगे जिसमें हम 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद हम फ्राइंग पैन को स्टोव पे बैलेंस करके सेट करेंगे। जब हमारा फ्राइंग पैन चारों तरफ से चूल्हे पे सेट हो जाए और हर तरफ से बैलेंस्ड हो तो हम चूल्हे पे आग लगाएंगे, और चूल्हे पे आग लगाने के बाद हम 40 से 50 सेकंड का वेट करेंगे ताकि हमारा ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए। जब हमारा ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो हम अपने फ्राइंग पैन को 3 हिस्सों में तसव्वुर करके डिवाइड करेंगे। 3 हिस्से यानी राइट, मिड और लेफ्ट, और इसके बाद हम राइट और मिड के दरमियान या लेफ्ट और मिड के दरमियान अंडे वाले मिक्सिंग बोल को लाएंगे। याद रहे कि फ्राइंग पैन से अंडे वाला मिक्सिंग बोल इतने फासले पे हो कि आपके हाथ पर ऑयल के छींटे ना आएं। मिक्सिंग बोल को दरमियान में लाने के बाद आहिस्ता से और एहतियात से अंडा फ्राइंग पैन में शामिल करेंगे। अंडा फ्राइंग पैन में शामिल करने के बाद 40 से 50 सेकंड के लिए अंडे को पकने के लिए छोड़ देंगे। 40 से 50 सेकंड के बाद हम स्पून की मदद से अंडे की शेप को आइडेंटिफाई करेंगे। जब अंडे की शेप प्रोमिनेंट होने लग जाए तो हम स्पून की मदद से अंडे को मूव करेंगे। अगर अंडा आसानी से मूव होने लगे तो हम स्पून को आहिस्ता आहिस्ता अंडे के नीचे ले जाएंगे। जब अंडा पूरी तरह से स्पून के ऊपर आ जाए तो हम बहुत एहतियात से अंडे को टर्न कर देंगे और 40 से 50 सेकंड तक अंडे को फिर से पकने के लिए छोड़ देंगे। 40 से 50 सेकंड के बाद फिर हम स्पून से अंडे को मूव करेंगे। अगर अंडा स्मूथली मूव हो तो मींस आपका अंडा खाने के लिए तैयार है।
फिर आप अंडे को डिश आउट करें और मज़ेदार सा ऑमलेट इंजॉय करें। ये थी हमारी ऑमलेट बनाने की रेसिपी। स्क्रम्बल्ड एग बनाने की रेसिपी, अज्जा, अंडे दो, दूध दो टेबलस्पून, फ्रेशली क्रश्ड काली मिर्चें 1/4 टीस्पून, नमक 1/4 टीस्पून, फ्राइंग के लिए कुकिंग ऑयल 4 से 5 टेबलस्पून। सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बोल में दो अंडों को तोड़ के शामिल करेंगे। इसके बाद हम इसमें दूध, काली मिर्चें, नमक शामिल करके अच्छे से बीट करेंगे। जब हमारा अंडा अच्छे से बीट हो जाए तो हम दूसरी तरफ एक फ्राइंग पैन में 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद हम फ्राइंग पैन को स्टोव पे सेट करेंगे। जब हमारा फ्राइंग पैन स्टोव पे चारों तरफ से बैलेंस हो जाए तो हम फ्राइंग पैन के नीचे आग जलाएंगे और 5 से 10 सेकंड के बाद उसी फार्मूले से यानी फ्राइंग पैन को 3 हिस्सों में डिवाइड करके हम अंडे को फ्राइंग पैन में शामिल करेंगे। स्क्रम्बल्ड एग बनाने का मेन फार्मूला चूल्हे की आंच को 0 फ्लेम पे रखना होता है, यानी लो और स्लो फार्मूले के तहत स्क्रम्बल्ड एग तैयार होता है। एग फ्राइंग पैन में शामिल करने के बाद 30 से 40 मिनट का गैप देंगे और उसके बाद स्टर फ्राई करेंगे। स्टर फ्राई मतलब स्पून को कॉन्स्टेंटली मूव करना। स्क्रम्बल्ड एग और ऑमलेट में यही डिफरेंस होता है कि स्क्रम्बल्ड एग को हम स्टर फ्राई करते हैं और ऑमलेट को हम सिर्फ टर्न करने के लिए स्पून का इस्तेमाल करते हैं। हम स्क्रम्बल्ड एग में ऑमलेट वाले इंग्रेडिएंट्स शामिल कर सकते हैं या हम अपने ऑमलेट और स्क्रम्बल्ड एग में बहुत सी वेरिएशंस कर सकते हैं। जैसे प्याज, धनिया, पुदीने के साथ हम इसमें चॉप्ड शिमला मिर्च, चॉप्ड टमाटर या हरी प्याज भी शामिल कर सकते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि स्क्रम्बल्ड एग लो और स्लो फ्लेम पर पकता है और ऑमलेट नॉर्मल फ्लेम पर पकता है। स्क्रम्बल्ड एग में स्टर फ्राइंग होती है और ऑमलेट में सिर्फ एग को टर्न करने के लिए स्पून का इस्तेमाल किया जाता है। ये थी हमारी आज की रेसिपीज, बॉयल्ड एग, ऑमलेट एंड स्क्रम्बल्ड एग। उम्मीद है आपने हमारी इस रेसिपी से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अपनी नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।